एनीमिया, जिसे हम हिंदी में रक्ताल्पता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि खून की कमी। हमारे शरीर में खून की कमी होने को एनीमिया कहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनीमिया क्या होता है, क्यों होता है और इसके मेन कारण क्या है, ये आपको बताएंगे और साथ में दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसे आप कंटिन्यू यूज करेंगे तो उससे आपको इससे रिकवरी मिलने में काफी राहत मिलेगी। साथ में कुछ आपको डाइट ऐसी बताएंगे जो आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए और आयरन की कमी को दूर करने के लिए काफी कारगर साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनीमिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी। मैं डॉक्टर एस के पटेल करेली। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया है कि आज का टॉपिक हमारा एनीमिया है, जिसे हिंदी में रक्त अल्पता के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारे शरीर में खून की कमी। दोस्तों, खून की कमी आने के काफी कारण होते हैं। लेडीजों में अगर इसकी चर्चा की जाए तो लेडीजों में, खासकर जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें खून की कमी देखी जाती है। दूसरा, लैक्टेशन पीरियड के समय भी लेडीजों में खून की कमी देखी जाती है, क्योंकि उस समय न्यूट्रिशन की जरूरत काफी ज्यादा पड़ती है बॉडी में। वो न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से लेडीज को खून की कमी होने लगती है। कई बार उन लेडीजों में भी खून की कमी देखी जाती है जिनके पीरियड डिस्टर्ब रहते हैं, काफी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से खून की कमी आने लगती है और पेशेंट एनीमिक होने लगता है। और साथ में उन पेशेंट में भी खून की कमी देखने को मिलती है जो काफी लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से शरीर उनका कमजोर होते जा रहा है, वीक होते जा रहा है, तो उनमें भी हीमोग्लोबिन काफी कम मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी ज्यादा वीकनेस, कमजोरी लगती है। कई बार किसी तरह की चोट या इंजरी लगने की वजह से, ब्लड लॉस होने की वजह से भी शरीर में खून की कमी आ जाती है। और ये जॉन्डिस वाले पेशेंट में भी ज्यादातर देखने को मिलता है, जिनको काफी ज्यादा हैवी जॉन्डिस हो जाता है, उनमें भी खून की कमी देखने को मिलती है। तो ये कुछ कारण है जिनमें हम देखते हैं कि पेशेंट को हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, खून की कमी आ जाती है। तो इसके लिए आज हम दो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताएंगे, वो इससे रिकवरी करने के लिए काफी इफेक्टिव, काफी कारगर है। पहली मेडिसिन है बायोकेमिक नंबर 1। बायोकॉम्बिनेशन नंबर 1 एनीमिया टेबलेट। ये चार चार गोली आधे कप गुनगुने पानी में पेशेंट को दिन में 4 टाइम आप दीजिए। इससे उसको एनीमिया से रिकवरी पाने में काफी हेल्प मिलेगी और साथ में उसके बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी है उसमें भी उसको रिकवरी मिलेगी। दूसरी मेडिसिन आती है एलेंस का एलवाइन सायरप। एलेंस का एलवाइन सायरप 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद पेशेंट को दीजिए। ये उस कंडीशन में काफी कारगर है जो लेडी से प्रेग्नेंट हैं या जो लैक्टेशन पीरियड में चल रही हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, ये काफी अच्छा वर्क करता है। साथ में उन पेशेंट के लिए भी काफी कारगर है जो काफी लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में खून की कमी आई है। इसमें पेशेंट को चिड़चिड़ापन आता है, थकान रहती है, कमजोरी बनी रहती है और उसके बॉडी में एनर्जी लेवल काफी डाउन रहता है, जिसकी वजह से कुछ भी काम करने में उसका मन नहीं लगता है, हमेशा एक घबराहट बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है। अगर ये सब लक्षण किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं और साथ में वो जरा सा भी काम करने में थक जाता है, आप उसको बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 और एलवाइन सायरप उसको रेगुलर चलाइए। इससे उसके आयरन में वृद्धि होगी और हीमोग्लोबिन बढ़ने से उसके एनीमिया की कंडीशन दूर होगी, साथ में उसकी परेशानी दूर होगी। दोस्तों, ये तो दो होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे आप यूज करके एनीमिया से मुक्ति पा सकते हैं। साथ में आपको अपनी डाइट में भी चेंजेस करना पड़ेगा। आप अपनी डाइट में वो चीजें इंक्लूड करें जो आयरन को बढ़ाएं, जैसे कि आप रात को सोते समय 1 गिलास पानी में 25 से 30 ग्राम गुड़ डालिए और सुबह उठ के गुड़ का पानी पिए।
ये आपके बॉडी में आयरन और कैल्शियम को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा स्रोत है। साथ में आप डेली सुबह थोड़ा सा गुड़ और पटाने नाश्ते में लीजिए, ये आपके आयरन और कैल्शियम दोनों को रिकवर करने में मदद करेगा। और जो एनीमिक पेशेंट हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि वो डेली एक चुकंदर और एक अनार का सेवन करें। इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं या जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ये आपके आयरन को पिकअप करने में काफी हेल्प करेगा। साथ में आप हरी सब्जियां वगैरह ज्यादा यूज करें, खासकर आप पालक का और धनिये का यूज ज्यादा करें। इनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है जो आपकी बॉडी को हष्ट पुष्ट बनाने में और स्वस्थ बनाने में काफी कारगर साबित होता है। दोस्तों ये तो डाइट हुई, साथ में आप नियमित रूप से योगा एक्सरसाइज करें और डेली व्यायाम करें, ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएंगे जिसकी वजह से आयरन का फॉर्मेशन तेजी से बॉडी में होगा। दोस्तों ये तो कुछ मेडिसिन है और कुछ खाने पीने की सामग्री है जिससे आप यूज करके अपना आयरन लेवल बढ़ा सकते हैं और एनीमिया से फ्री हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके आपके किसी परिजन के काम आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।